बच्चों, कक्षा 10 से आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ लेकर आए हैं, जो कि पाठ 6 है, जिसका नाम है वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर से ही आप समझ गए होंगे कि वाक्य में किसी ना किसी तरह से उसके रूप में परिवर्तन आता है, वो किन नियमों के अनुसार आता है, किस तरह से करते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य होते क्या है, वाक्य के अंग क्या है, उसके भेद क्या है, और उसके बाद उनका बदलाव करने का तरीका क्या है। यही सब आज के पाठ में हम जानेंगे। सर्वप्रथम हिंदी में वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। वक्ता के कथन को, अर्थात जो बात कहता है उसके द्वारा कही गई बात को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह, अर्थात पूरी तरह से बात कहने वाले जो शब्द समूह हैं, उनको वाक्य कहते हैं। वाक्य में पूर्णता तभी आती है, अर्थात वाक्य पूर्ण तभी होता है जब पद सुनिश्चित क्रम में हो। जैसा कि हमने कहा था, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जब पद सुनिश्चित क्रम में हो, अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार हो, व्याकरणिक इकाइयों के अनुसार हो, तथा इन पदों में पारस्परिक समन्वय भी विद्यमान हो, उन पदों में आपस में संबंध भी होना चाहिए। समन्वय का अर्थ है आपसी संबंध का होना बहुत ही जरूरी है। वाक्य की सरल शब्दों में परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे सार्थक अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यहाँ पर आसान शब्दों में आपके सामने वाक्य की परिभाषा प्रस्तुत की गई है कि सार्थक शब्दों, अर्थात जिन शब्दों का एक अर्थ होता है, उनका व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह कैसे? व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो क्रमानुसार होने चाहिए। ऐसा समूह जिससे सार्थक अर्थ प्रकट हो, उस वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, वह शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रमुख दो खंड हैं, अर्थात दो अंग हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। आइए वाक्य के इन दोनों अंगों को विश्लेषण से जानते हैं। उद्देश्य क्या है, आइए जानें। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है, वह हुआ उद्देश्य। उसे सूचित करने वाले जो शब्द हैं, उद्देश्य कहते हैं उनको। आइए उदाहरण स्वरूप जानें। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, यहाँ पर अर्जुन ने जो गहरे हरे रंग में हमने हाईलाइट किया है, वह जो शब्द समूह है वह है उद्देश्य, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है। आगे जो हिस्सा है वाक्य का वह है विधेय, अर्थात उसके बारे में जो कुछ कहा गया है। आइए विधेय को भी जान लेते हैं। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अथवा उद्देश्य अर्थात कर्ता, जो कार्य करने वाला है, जो कुछ कार्य करता है, वह सब विधेय कहलाता है। जिस उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में बात हो रही है, वह जो कार्य करता है, जो कि वाक्य में बताया गया है, वह सब क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, वही उदाहरण है जो कि हमने ऊपर लिया था। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, यहाँ पर हमने विधेय को गहरे हरे रंग में हाईलाइट किया है। अर्जुन जो कि कर्ता है, अर्थात उद्देश्य है, इसने जो कार्य किया, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया, जो कि गहरे हरे रंग में, किसे मारा? जयद्रथ को मारा। तो ये देखिए आप, कर्ता ने जो कार्य किया या कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया गया, वह है विधेय। वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। आइए आगे जानते हैं। दूसरे और आसान शब्दों में उद्देश्य और विधेय को एक बार पुनः समझ लेते हैं। वाक्य के कर्ता, कर्ता अर्थात उद्देश्य, कार्य को करने वाला को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है, अर्थात कर्ता के अलावा जो भी कुछ वाक्य में कहा गया है, वह विधेय कहलाता है। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ बात हो रही होती है, और वो बात क्या हो रही होती है, वो विधेय में बताया गया होता है। विशेष बात ये है, अर्थात जानने वाली बात ये है कि आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं, जिनमें आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है, ऐसे वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। आइए देखें वो किस तरह के वाक्य होते हैं जो कि आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे इधर आओ, आदेश दिया ना इस वाक्य में, खड़े हो जाओ, ऐसा करो, इधर आओ, उधर आओ, ये मत करो,
तो ये जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं इनमें विधेय तो होता है, अर्थात जो बात कही गई होती है वो तो रहती है। किसको कही गई है, किसके बारे में कही गई है, ये वहां पर मौजूद नहीं होता है, ऐसा वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम सामने ही उपस्थित व्यक्ति को ऐसा कहते हैं, तो उद्देश्य छुपा होता है ऐसे वाक्यों में। लेकिन वहां पर उसको हम समझेंगे कि वो कैसे है। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात इधर आना या इधर आने वाला कौन है, तुम। जैसा कि हम कहेंगे तुम इधर आओ, तुम खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ अर्थात किसे कह रहे हैं हम, तुम या आपको कह रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति है उसे ही कहा जा रहा है ना, तो वो उद्देश्य है। उद्देश्य यहाँ पर छिपा हुआ था, लेकिन हम उसे समझेंगे और जानेंगे वो जो बात कही गई है वो किसे कही गई है, अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है वरना छिपा होता है। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय हमेशा रहता है लेकिन उद्देश्य छिपा रहता है। ऐसे भी वाक्य अगर आपको परीक्षा में पूछे जाएं तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि आज्ञा सूचक है तो उद्देश्य कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो तुम है या आप है या हम है, तो आप वो उद्देश्य वहां पर लिख सकते हैं। आइए वाक्य के भेद जान लेते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। रचना की दृष्टि से इन तीन तरह के वाक्यों को मान्यता प्राप्त है हमारे हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में। आज इन्हीं के बारे में हमने जानना है कि सरल वाक्य क्या होते हैं, उनका संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है, और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, उनका मिश्रित वाक्य में किस तरह से परिवर्तन होता है, और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं और उनको सरल या संयुक्त में किस तरह से बदला जाता है। आज का जो विषय है हमारा इसी वाक्य पर आधारित है। आइए वाक्य परिवर्तन जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की कि वाक्यों को किस तरह से बदलाव लाया जाता है, आइए जानते हैं तो वो वाक्य परिवर्तन होता क्या है। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अर्थात हमने वाक्य इस तरह से परिवर्तित करना है कि उसका अर्थ ना बदले, अर्थ वही रहे, उससे बात बदल ना जाए। हम किसी भी वाक्य को भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे नियम हमारे व्याकरण में उपलब्ध हैं और उनके मूल अर्थ में तनिक विकार नहीं आएगा, तनिक भी परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ वैसे का वैसा ही रहेगा। हम चाहें तो एक सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं, इसी की जानकारी आज हमने हासिल करनी है। वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी हालत में विकृत न हो, अर्थात किसी भी हालत में उस वाक्य का अर्थ बदल न जाए, इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आइए सरल वाक्य क्या होते हैं जानते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्ता अर्थात उद्देश्य और एक ही क्रिया नजर आ रही हो तो वो साधारण वाक्य कहलाएगा। उदाहरण से जानते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है, पहला वाक्य लेते हैं बच्चा दूध पीता है, इसमें बच्चा क्या है, उद्देश्य है अर्थात दूध को पीने वाला है, तो बच्चा उद्देश्य हो गया, दूध पीता है, ये सारा जो हिस्सा है वाक्य का वो है क्रिया, दूध को पीना एक क्रिया है अर्थात समापिका क्रिया है और कर्ता है, ये हुआ साधारण वाक्य। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पानी बरस रहा है, यहाँ पर पानी उद्देश्य है अर्थात पानी जो बरस रहा है, गिर रहा है, वर्षा हो रही है, तो बरस रहा है क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर एक कर्ता है और एक समापिका क्रिया है, इस कारण से ये एक साधारण वाक्य हुआ। आइए संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। ऐसे वाक्य क्या होते हैं, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समान अधिकरण या समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े हो, ऐसे जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में
साधारण तौर पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, लेकिन वो ऐसे समुच्चय बोधक चिन्हों से, शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे वाक्य के बीच में पर होगा या किंतु होगा, और या आदि। ऐसे शब्दों को यदि आप किसी वाक्य में पाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो संयुक्त वाक्य हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम घर गया और खाना खाकर सो गया। यहाँ पर राम ने दो कार्य किए हैं, दो छोटे छोटे साधारण वाक्य हैं। राम घर गया, राम खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य हो रहे थे, घर गया और खाना खाकर सो गया, तो उसको हमने और समुच्चय बोधक चिन्ह के साथ जोड़ दिया है। तो इस कारण से इस वाक्य में दो साधारण वाक्य हैं, वो समानाधिकरण और समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, आइए जाने। इन वाक्यों में एक मुख्य अथवा प्रधान उपवाक्य और एक अथवा उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जिनको हम किसी भी कारण से बदल नहीं सकते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो न कि लिंग, वचन, कारक, काल की वजह से अपना रूप बदलते हैं, ऐसे शब्द वाक्य में प्रयोग हुए होते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आइए उदाहरण स्वरूप जानते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं कल नहीं आ सकूंगा। यहाँ पर जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है इसके साथ जुड़ गया है और जो प्रधान उपवाक्य है वो है राम ने कहा। राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है क्योंकि वही प्रमुख है, उसने क्या कहा जो कि उस पर आश्रित वाक्य है, वाक्य का अंग जो है वो उस पर आश्रित है। इस कारण से ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। आइए साधारण वाक्यों से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना सीखें कि किस तरह के साधारण वाक्य होते हैं और उन्हें संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है। आइए उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है मैं दूध पीकर सो गया। इस साधारण वाक्य को हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। तो उसका नियम क्या रहेगा, हम वाक्य में, जैसा कि यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, दूध पीकर सो गया, पहले दूध पिया और फिर सो गया, तो इन दो क्रियाओं को जो कि आश्रित हैं उद्देश्य पर, ये जो हिस्सा है वाक्य का अंग जो है, एक उद्देश्य है और दूसरे आश्रित उपवाक्य हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध पिया और सो गया, सिर्फ और लगा देने से वाक्य में संयुक्त वाक्य हो जाता है, ये आप पहचान याद रख लीजिएगा। या तो वाक्य में और होगा, या होगा, आदि, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य को, साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। आइए और अन्य उदाहरण लेते हैं। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, तो इसे बदलते हैं संयुक्त वाक्य में। वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। ऐसे साधारण वाक्यों में आप पाएंगे कि दो क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं दो क्रियाओं को हमने समुच्चय बोधक शब्दों से अलग कर देना है। इस तरीके से आप साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में वाक्य को बदल देंगे और उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। वह पढ़ने के अलावा, देखिए वह पढ़ने का कार्य भी करता है और अखबार भी बेचता है, तो यहाँ पर हम इन दोनों क्रियाओं को और समुच्चय बोधक से जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदल देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। आप ध्यान से पढ़कर देखिए, इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हो रही हैं। घर पहुंचकर, पहली जो क्रिया है घर पहुंचकर, फिर सब बच्चों को क्या करते हुए देखा, खेलते हुए देखा, जो देखना है वो भी एक क्रिया है, तो इसी को हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है समुच्चय बोधक चिन्हों के द्वारा। आइए बदलते हैं। मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे खेल रहे थे। देखिए कितनी सुंदरता से ये वाक्य साधारण शब्दों की वजह से, छोटे से उपयोग की वजह से, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदल गया है। बस इन्हीं नियमों का पालन करके आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन ला सकते हैं बिना कोई अर्थ बदले। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं काशी नहीं जा सका। आइए इसे संयुक्त वाक्य में बदलते हैं।
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं काशी नहीं जा सका। देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं होना एक कारण था और काशी नहीं जा सका ऐसा उसके साथ हुआ। तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए, जो कारण है उसके लिए हम इसलिए समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, आगे लिखेंगे मैं काशी नहीं जा सका। आगे बढ़ते हैं। सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा। देखिए, यहां पर भी दफ्तर देर से पहुंचने का कारण प्रस्तुत किया गया है। इस तरह के वाक्यों के लिए हम इसलिए समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। आइए देखें किस तरह से करेंगे। सवेरे तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं दफ्तर से देर पहुंचा। इस तरह से साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन लाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से। आइए संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में कैसे बदला जा सकता है जानते हैं। पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। देखिए, वाक्य में इसलिए आ गया है तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। दो साधारण वाक्यों के मिलने से संयुक्त वाक्य बनता है, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो पहला साधारण वाक्य क्या है? पिताजी अस्वस्थ हैं। दूसरा साधारण वाक्य क्या है? इसी कारण से मुझे जाना पड़ा, है ना? तो इस तरह के वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इन्हें साधारण वाक्य में किस तरह से बदलेंगे? इसमें कारण दर्शाया गया है, उसी की वजह से ही एक साधारण सा परिवर्तन आएगा वाक्य में। आइए देखें किस तरह से। पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए की जगह होने के कारण का उपयोग कर देंगे और ये साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उसने कहा और मैं मान गया। देखिए, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है क्योंकि वाक्य में और समुच्चय बोधक का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर दो साधारण वाक्य मिल गए हैं समुच्चय बोधक की वजह से, ये है संयुक्त वाक्य। इसे किस तरह से साधारण में बदलेंगे? उसके कहने से मैं मान गया। देखिए, सिर्फ कहने से ही, कह देने से ये साधारण वाक्य में बदल जाता है। उसके कहने से मैं मान गया। आइए एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु अच्छा वक्ता भी है, अर्थात अच्छा बोलने वाला भी है। इस तरह के संयुक्त वाक्यों को साधारण वाक्य में इस प्रकार से बदलते हैं। वह उपन्यासकार के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी ही नहीं अपितु, इस तरह के वाक्यों को यहाँ से हम हटा देंगे और लिखेंगे वह केवल उपन्यासकार के अतिरिक्त, केवल भी यहाँ से हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? वह उपन्यासकार के अतिरिक्त, अर्थात उपन्यासकार तो है ही, उसके अलावा अर्थात अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए और उदाहरण देखते हैं। लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। जहाँ पर वाक्य में इसलिए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वे संयुक्त वाक्य की पहचान है। इनको साधारण में बदलने के लिए, जैसा कि यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात कोई कारण बताया गया है क्योंकि लू चल रही थी, तो साधारण वाक्य में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह से लिखेंगे लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। इस तरह से हम संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में बदल सकते हैं वाक्य को। आइए आगे बढ़ते हैं। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। देखिए, यहाँ पर दो साधारण वाक्यों को और समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, ये संयुक्त वाक्य है। इसे साधारण वाक्य में इस तरह से बदलेंगे गार्ड के सीटी देने पर ट्रेन चल पड़ी, अर्थात गार्ड ने सीटी दी तभी तो ट्रेन चली। तो देने पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे और को वहां से हटा दें। आइए आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है आइए जानते हैं। हर सिंगार को देखते ही मुझे गीता की याद आ जाती है, ये एक साधारण वाक्य है। इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है, वो किस तरह से होगा? जब मैं हर सिंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आ जाती है। ऐसे वाक्यों में हम जब, तब, जैसे तैसे, जैसा वैसा, जो सो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये मिश्रित वाक्य की पहचान है। ऐसे वाक्यों में हम इस तरह से बदलाव लाते हैं कि जब मैं हर सिंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आती है। यहाँ पर मिश्रित वाक्य में आप देख रहे होंगे एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो मुख्य वाक्य है मैं हर सिंगार की ओर देखता हूँ, तब, ये जब और तब से शुरुआत होती है इनकी,
और इस तरह से हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। ये एक साधारण वाक्य है, इसे मिश्रित में बदलते हैं। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। देखिए यहाँ पर वह और जो जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया गया है, जो अव्यय शब्द हैं, समुच्चयादिबोधक जो अव्यय शब्द हैं, उनका जब हमने प्रयोग किया है, ऐसे अव्यय शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी पहचान में बताई थी, जो सो जैसा वैसा जब तब, इस तरह के जब की तब की, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हम मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये एक साधारण वाक्य है, एक जो कि उद्देश्य है, पैसे के बिना और इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये विधेय हो गया। तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य में इस तरह से बदलेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से हम इसे मिश्रित वाक्य में बदल देंगे। यदि से शुरू करेंगे, यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। आधी रात होते होते मैंने काम करना बंद कर दिया। ये एक साधारण वाक्य है, इसको मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। जो ही आधी रात हुई त्यों ही मैंने काम करना बंद कर दिया। समय बहुत हो गया था, इस तरह के वाक्यों में हम जो ही त्यों ही का प्रयोग करते हैं, तो ये एक मिश्रित वाक्य में बदलाव आ जाता है। साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलते समय हम वाक्य के अनुसार ही इस तरह के शब्दों का, जो कि अव्यय शब्द हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जो ही त्यों ही, यदि तो, जो सो, जब तब आदि। मिश्रित वाक्य से साधारण वाक्य में भी बदलाव लाया जा सकता है। दोबारा से हम साधारण वाक्य में उसे बदल सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी होते हैं। देखिए यहाँ पर वाक्य में जो और वे या वो भी लिख सकते थे। जो संतोषी होते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। तो वाक्य में जो, वो, जो, सो आने से ये मिश्रित वाक्य है। इसे हम साधारण वाक्य में इस तरह से बदलेंगे। संतोषी सदैव सुखी होते हैं, अर्थात जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। साधारण और कम शब्दों में हमने इसे साधारण वाक्य में बदल दिया है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो शिक्षा में सफल नहीं होगे। देखिए यहाँ पर वाक्य में यदि और तो है, तो ये एक मिश्रित वाक्य की पहचान है। आइए इसे सरल अर्थात साधारण वाक्य में बदलें। न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। इस तरह से हम, जो कि सफल न होने का कारण क्या है, न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे, इस तरह से हम साधारण वाक्य में बदलेंगे। अगला उदाहरण लेते हैं। तुम नहीं जानते कि वह कौन है। यहाँ पर की वाक्य में प्रयोग हुआ है, ये एक मिश्रित वाक्य है, इसको साधारण में इस तरह से बदलेंगे। तुम उसे नहीं जानते, सीधी सी बात स्पष्ट हो जाती है। तुम उसे नहीं जानते का अर्थ वही रह गया है, तुम नहीं जानते कि वह कौन है। अर्थ बिना बदले ही हम वाक्य को इस तरह से रूप परिवर्तन करते हैं और वो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब जेब कतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया। जब और तो लगने से ये एक मिश्रित वाक्य हो गया है, आइए इसे साधारण वाक्य में बदलें। मुझे देखकर जेब कतरा भाग गया। यहाँ पर देखिए वाक्य में जब जेब कतरे ने मुझे देखा ऐसा कहा है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, मुझे देखकर जेब कतरा भाग गया। आगे बढ़ते हैं। जो विद्वान है उसका सर्वत्र आदर होता है। जो और उसका, ऐसे शब्द प्रयोग होने की वजह से ये एक मिश्रित वाक्य है, आइए साधारण वाक्य में किस तरह से बदलेंगे। विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी जो व्यक्ति हैं, उनका हमेशा ही आदर होता है। व्याकरण के एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।